साथियों नमस्ते। तो आज हम चैप्टर 9 से उदाहरण 6 और 7 को हल करेंगे, और इसके पहले के जितने भी वीडियोज हैं वो सारे मैंने प्लेलिस्ट में डाल दिए हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाओ और सारे वीडियोज जो है आराम से देखो। यहाँ पर जो हमारा प्रश्न है वो है, एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यानी यहाँ पर देखो हमें दो चीज़ें दी है, एक तो दिया है बहुमंजिल इमारत, ठीक है, यानी बड़ी इमारत, बड़ा भवन, ठीक है, और इसके ठीक सामने एक छोटा भवन दिया है, ये हमारा छोटा भवन हो गया, ठीक है। इस छोटे वाले भवन की लंबाई हमें दी हुई है 8 मीटर, इसकी लंबाई कितनी है, ऊंचाई 8 मीटर है, और इस बहुमंजिल जो भवन है इसकी ऊंचाई हमें नहीं दी हुई है। अगर इसके शिखर से हम इस सामने वाले भवन के शिखर को देखते हैं, ठीक है, और इस सामने वाले भवन के तल को देखते हैं, तो क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री का अवनमन कोण बनता है। अवनमन कोण मतलब ऊपर से कोण बनता है, ठीक है। यानी एक तो हमें क्या करना है, यहाँ से इस शिखर को देखना है और यहाँ से इस तल को देखना है। जब ऐसा हम करते हैं तो अवनमन कोण बनता है, और अवनमन कोण के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके ठीक समानांतर एक क्षैतिज रेखा खींचनी पड़ेगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो ये दृष्टि रेखा है वो इससे 30 डिग्री का कोण बना रही है, यानी शिखर से इस शिखर से इस शिखर को देखने पर 30 डिग्री का, और इस शिखर से इस तल को देखने पर कितने डिग्री का कोण बन रहा है, 45 डिग्री का कोण बन रहा है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इस सामने वाली भुजा को मिला देंगे। जब ऐसा हम करेंगे तो हमें एक आयत मिलेगा, क्या मिलेगा, आयत। ये हमारा क्या हो गया, आयत हो गया, ये ए बी सी और डी, ये हम इसको नाम दे देते हैं डी, और यहाँ पर ई नाम दे देते हैं, ठीक है। अब देखो क्योंकि ये आयत है तो अगर ये भुजा 8 मीटर है तो ये भी कितनी होगी, 8 मीटर। ए बी का मान हमें नहीं दिया है, ए बी का मान हम मान लेते हैं एक्स, तो इस भुजा का मान भी कितना आ जाएगा, एक्स। ई सी का मान हमें पता नहीं है, इसे हम मान लेते हैं एच, ठीक है। अब प्रश्न आगे कह रहा है, बहुमंजिल भवन की ऊंचाई और दो भवनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। यानी ये जो ई बी का मान है, इस बहुमंजिल भवन का जो ऊंचाई है वो हमें ज्ञात करनी है। अब देखो अगर मैं इसकी ऊंचाई की बात करूं, ठीक है, तो ई सी हमने क्या माना, एच, और सी बी का मान कितना है, 8, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो इस बहुमंजिल भवन का मान आ जाएगा, उसकी ऊंचाई का मान आ जाएगा, तो ये हमें मिलेगा 8+h। यानी 8 और h को मैं जोड़ता हूँ तो इस बहुमंजिल इमारत का ऊंचाई का मान आ जाएगा, ठीक है। अब इस प्रश्न को हल करने के लिए हमें दो त्रिभुज चाहिए, एक तो हम ये छोटा वाला त्रिभुज ले लेते हैं, एक ये बड़ा वाला त्रिभुज ले लेते हैं। दोनों त्रिभुज में देखो समकोण होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। तो एक तो त्रिभुज हमारा हो जाएगा ई बी सी, कौन सा त्रिभुज हो गया, त्रिभुज ई डी सी में, ठीक है। देखो इस छोटे वाले त्रिभुज में हमारे पास यहाँ कोण नहीं है, लेकिन हम निकाल सकते हैं, कैसे, देखो अवनमन कोण हमें क्या दिया है, 30 डिग्री, और दृष्टि रेखा हमारी ये वाली है, और हम जानते हैं कि दो समांतर रेखाओं को जब एक तिर्यक काटता है तो जेड बनता है ना, यानी एकांतर कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यहाँ पर देखो ये एकांतर कोण बन रहा है, तो अगर ये कोण 30 डिग्री है तो ये भी कोण कितना होगा, 30 डिग्री, और 30 डिग्री के सामने वाली भुजा को हम क्या कहते हैं, लंब, और नीचे वाली भुजा को हम क्या कहते हैं, आधार। लंब और आधार किस में आते हैं, टेन थीटा में आते हैं, यानी इस छोटे वाले त्रिभुज के अंदर मैं लिख सकता हूँ कि टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टा आधार होता है, ठीक है। अब थीटा हमें कितना लेना है, कोण हमें लेना है 30 डिग्री, तो थीटा की जगह 30 डिग्री आ जाएगा, टेन 30 डिग्री बराबर लंब बटा आधार। लंब हमने क्या माना है, देखो ई सी हमने एच माना है तो एच आ जाएगा, आधार हमारा क्या हो जाएगा, एक्स, तो यहाँ एक्स आ जाएगा। टेन 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√3, तो टेन 30 हो गया 1/√3 बराबर में एच बटा एक्स। अब हम एक्स को इधर भेजेंगे और √3 को इधर, तो यहाँ ये भाग में इधर गुणे में जाएगा, तो 1 का x से गुणा x और √3 का h से गुणा √3 × h, ये बन गया हमारा समीकरण नंबर 1, ठीक है।
अब हम लेते हैं दूसरा बड़ा वाला त्रिभुज, यानी ये वाला त्रिभुज, ठीक है। तो इसमें भी देखो ये कोण हमारे पास में नहीं है, और क्योंकि यहाँ भी हमारा क्या बन रहा है, जेड बन रहा है, तो यह किस पर बन रहा है, इस दृष्टि रेखा पर, और ये कितने डिग्री का कोण है, 45, तो ये भी कितना होगा 45 डिग्री। इसके सामने वाली भुजा हमारा लंब बन जाएगी, नीचे वाली भुजा हमारा आधार बन जाएगी, लंब आधार किस में आते हैं, टेन थीटा में। तो इस त्रिभुज में भी, कौन से त्रिभुज में, ई ए बी त्रिभुज, ई ए बी में, ठीक है, क्या आएगा, टेन थीटा। टेन थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटा आधार। अच्छा टेन थीटा हमें कितना लेना है, 45 डिग्री, तो ये आ गया टेन 45 डिग्री बराबर। लंब हमारा क्या है, बड़ी वाली इमारत कितनी है, 8+h, तो ये हो गया 8+h बटा आधार हमारा क्या है, x, ये आ गया x। टेन 45 का मान कितना होता है, 1 होता है, तो ये हो गया 8+h बटा x। x को उधर भेजेंगे तो x का 1 से गुणा, x बराबर हो जाएगा 8+h, ठीक है। अब देखो h का, x का मान जो है हम समीकरण 1 से रख सकते हैं, है ना, तो यहाँ लिख देंगे x का मान समीकरण 1 से रखने पर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 से यहाँ x का मान रखेंगे, x का मान क्या है, √3 × h, तो यहाँ आ जाएगा √3 × h बराबर में 8+h, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस h को उधर भेजेंगे, तो ये प्लस का उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का, तो √3h पहले से यही है, ये उधर गया तो −h बराबर में यहाँ क्या बचा, 8 बचा। इन दोनों के पास h है, h कॉमन ले लेंगे, तो h बाहर आ जाएगा, ये बाहर आ गया, अंदर बचा √3 माइनस, ये बाहर आ गया, अंदर बचा 1, जब पूरा बाहर आ जाता है तो अंदर 1 बचता है बराबर में 8। अब देखो ये गुणे में है, इसको हम उधर भेजेंगे तो वो भाग में चला जाएगा, तो h बराबर 8 अपनी जगह पर, ये उधर गया तो बट्टे में √3 − 1 नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब हम जानते हैं कि बट्टे के नीचे जो है कभी भी रूट वाली संख्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसका परिमेयकरण करेंगे। अब परिमेयकरण कैसे करना है, कि अगर नीचे माइनस वाली संख्या है तो इसी का संयुग्मी ऊपर नीचे गुणा करना है, संयुग्मी मतलब अगर ये माइनस का है तो इसका प्लस बना के ऊपर नीचे गुणा कर दो, यानी ये क्या है, ये है √3 और 1, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस ले लो। अब अगर मैं नीचे गुणा करूँगा तो मुझे ऊपर भी गुणा करना पड़ेगा √3 + 1 का, ठीक है। अब देखो क्या होगा, h बराबर 8 का तो ऊपर गुणा हो जाएगा, 8 × √3 + 1 और बट्टे में देखो ये है a − b × a + b, इसकी सर्वसमिका क्या होती है, हम जानते हैं कि a + b × a − b बराबर होता है a² − b² है ना, तो इसको हम ये लिख सकते हैं, तो इसी सर्वसमिका से हम इसको क्या लिख सकते हैं, a² − b² a हमारा क्या है √3, b हमारा क्या है 1, है ना, √3 का वर्ग क्या होता, देखो वर्ग से वर्गमूल हटा दो क्या बचा, 3 बचा, तो नीचे 3 बचेगा, यानी कि हमें मिलेगा 8 × √3 + 1 बट्टे में 3 का वर्ग 3 − 1, 1 का वर्ग 1 घटाएंगे तो अब देखो क्या बचा, h बराबर ऊपर है 8 × √3 + 1 बट्टे में 3 में से 1 गया 2, 2 से 8 को काटेंगे, 2 × 4 = 8 होता है, तो ऊपर बचा 4 × √3 + 1, ठीक है। ये हमारा किसका मान आ गया, h का मान आ गया, यानी अभी तो h का मान आया है, ठीक है, और हमें किसका मान चाहिए, बहुमंजिल इमारत का मान, यानी इसका मान eb का मान चाहिए, ठीक है, तो चलो eb का मान ज्ञात करते हैं। अब देखो eb क्या है, तो eb का मान है 8+h, ठीक है। अब h का मान तो हम निकाल चुके हैं, h का मान क्या है, 4 × √3 + 1, तो ये मान हम h का लगा देते हैं, 8+4 × √3 + 1, ठीक है। अब इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो 4 का गुणा इससे भी होगा और 4 का गुणा आगे वाले से भी होगा, तो ये हो गया हमारा 8 प्लस ये हो गया 4√3 + 4 का 1 से गुणा 4, 8 और 4 जुड़ेगा कितना हो जाएगा 12+4√3। अब देखो 12 और 4√3 दोनों में 4 का पहाड़ा कॉमन है,
तो हम चार को बाहर ले लेते हैं, चार का पहाड़ा कॉमन है, चार को बाहर ले लेते हैं। अब यहाँ चार का पहाड़ा कितनी बार बोलेंगे, बार आया, चार एकम चार, चार दुनिया चार, तिया बार, तीन बार, तो अंदर तीन बचा, प्लस यहाँ से चार पूरा बाहर आ गया है ना, तो अंदर कितना बचा, रूट तीन बचा, और ये हमारा हो जाएगा मीटर। ठीक है, यानी ई बी की ऊंचाई हमें मिल गई 4 × 3 + √3 मीटर, ये हो गई बहुमंजिल की इमारत की ऊंचाई। ठीक है, अब हमें किसका मान ज्ञात करना है, दोनों भवनों के बीच की दूरी यानी एक्स का मान ज्ञात करना है। और समीकरण एक हमारा क्या था, तो देखो पुनः पुनः समीकरण एक था एक्स बराबर √3 × h। अब h का मान क्या है, h का मान ये रहा, ठीक है, h का मान लगा दो, x बराबर √3 × ये हो गया हमारा 4, इसको 4 बना देते हैं, ठीक है, 4 × √3 + 1। ठीक है, अब देखो इनको गुणा कराते हैं, x बराबर, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस रूट तीन का अंदर की तरफ गुणा कराएंगे, तो √3 का √3 से गुणा अंदर क्या हो जाएगा, देखो 4 तो बाहर है, इसका इससे गुणा हो गया 3, प्लस √3 का 1 से गुणा अंदर क्या हो गया, √3 मीटर। अब आप देख रहे हो कि जो बहुमंजिल भवन है उसकी ऊंचाई और दोनों भवनों के बीच की ऊंचाई जो है वो सेम आ रही है। ठीक है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। आप चाहो तो नीचे लिख सकते हो, बहुमंजिल भवन की ऊंचाई 4 × √3 + √3 मीटर और दोनों भवनों के बीच की जो दूरी है वो है 4 √3 + √3 मीटर। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें उदाहरण 6 को हल करना है। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। उदाहरण 7 है, एक नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यानी यहाँ हमें एक पुल दिया है और यहाँ एक व्यक्ति खड़ा है मान लो, ठीक है, अब इस पुल के किनारों को हमें देखना है, तो इसका एक किनारा तो यहाँ पर है और दूसरा किनारा यहाँ पर है। ठीक है, तो अगर यहाँ से हम नीचे की तरफ देखते हैं तो ये 30 डिग्री और 45 डिग्री के इस तरफ कोण बनते हैं, जिसे हम क्या कहेंगे, अवनमन कोण है। ठीक है, यदि पुल के किनारों से 3 मीटर की ऊंचाई पर हो तो नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। यानी अगर ये जो पुल है इसकी ऊंचाई इस नदी से है ना, यहाँ से कितनी है, 3 मीटर की ऊंचाई है, तो हमें क्या ज्ञात करना है, नदी की चौड़ाई, यानी कि यहाँ से लगाकर यहाँ तक की चौड़ाई जो है वो हमें ज्ञात करनी है। कुल मिला के हमें ए बी का मान ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखो क्योंकि हमें अवनमन कोण दिया है और यहाँ दो हमें समकोण त्रिभुज दिए हुए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें कोण बनाने पड़ेंगे, तो यहाँ देखो क्योंकि जेड बन रहा है, ये समांतर रेखाएँ हो गई और इनके बीच में एक तिर्यक आ गया, तो ये 30 डिग्री है, तो ये कितना डिग्री होगा, 30 डिग्री होगा। और यहाँ भी क्या कर रहा है, जेड बन रहा है, देखो ये हमारा क्या बन रहा है, जेड बन रहा है, तो अगर ये 45 डिग्री है तो ये भी कितना डिग्री बनेगा, 45 डिग्री का कोण बनेगा। अब 30 डिग्री के सामने वाली भुजा को हम लंब कहते हैं और नीचे वाली भुजा को हम क्या कहते हैं, आधार कहते हैं। तो टेन थीटा का यूज करके हम ए बी का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो इसके लिए हम पहले त्रिभुज लेंगे पी डी ए, त्रिभुज पी डी ए में, ठीक है, क्या लेना है, टेन थीटा, और टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। ठीक है, थीटा कितना लेंगे, क्योंकि हम ये वाला त्रिभुज ले रहे हैं, तो थीटा हमारा कितना है, 30 डिग्री का, तो ये हो जाएगा टेन 30 डिग्री बराबर लंब बटा आधार। अच्छा, लंब क्या है, सामने वाली भुजा कितनी है, 3, और आधार ये हम मान लेते हैं एक्स और इसको मान लेते हैं वाई, ए डी को मान लेते हैं एक्स। ठीक है, तो ए डी कितना आ गया, एक्स आ गया। अब 10 30 का मान क्या होता है, 1/√3 बराबर 3/x। अब x को उधर भेज देते हैं, रूट तीन को इधर भेज लेते हैं, तो क्या होगा, देखो x 1 से गुणा होगा, x हो जाएगा, और 3 का √3 से गुणा, 3 × √3 मीटर। ठीक है, ये हमारा किसका मान आ गया, x का मान आ गया। अब y का मान ज्ञात कर लेते हैं, तो उसके लिए कौन सा त्रिभुज चाहिए, त्रिभुज पी डी बी, त्रिभुज पी डी बी में। ठीक है,
यहाँ भी हमें टेन थीटा लेना है, तो टेन थीटा बराबर होता है लंब बट्टा आधार, और थीटा कितना है 45 डिग्री। टेन 45 डिग्री बराबर लंब क्या होगा, थीटा के सामने वाली भुजा कितना है 3 बट्टा आधार नीचे वाली भुजा क्या है वाई। टेन 45 क्या होता है 1 होता है, तो 1 बराबर 3 बट्टा वाई, वाई का 1 से गुणा वाई हो गया, तो वाई बराबर क्या आ गया 3 मीटर। ठीक है, और हमें क्या चाहिए, हमें इस पुल की चौड़ाई चाहिए है ना, यानी पुल की चौड़ाई ज्ञात करनी है, पुल की चौड़ाई, और वो हमारी क्या है ए से लगाकर बी तक ए बी। ठीक है, अब ए बी में देखो यहाँ से यहाँ तक क्या है एक्स प्लस यहाँ से यहाँ वाई, एक्स और वाई दोनों का मान हमारे पास में है, तो देखो ए बी एक्स का मान क्या है 3√3 प्लस वाई का मान क्या है 3। अच्छा अब क्या करना है, इन दोनों में 3 आ रहा है, 3 बाहर ले लो, 3 कॉमन आ गया, अंदर बचा √3 प्लस ये पूरा बार आ गया, अंदर 1 बचा मीटर, और यही हमें ज्ञात करना था, यही हमारा आंसर है। तो इस प्रकार से आपको उदाहरण 7 करना है, और अगर मेरे वीडियोज आपको पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू।